चिंतन गोष्ठी का विषय बड़ा अद्भुत है। मैं अंतःकरण की गहराइयों से देवात्मा हिमालय युगतीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का हम सब मिलकर के आह्वान करेंगे, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं, उनके डाकिया हैं, उनके संदेश वाहक हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, न मेरे अपने कोई विचार हैं, न मेरे अपनी तरफ से कोई ऐसे जीवन का व्यक्तिगत बहुत बड़ा अनुभव अनुसंधान है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस महायोगी ऋषि युग्म परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी, जिनकी प्रेरणा से आपके बीच में मुझे बैठने योग्य जो पात्रता मिली है, और आप सब मनीषियों का, डॉक्टर्स का, लोक सेवियों का, हमारे यूथ ग्रुप का, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का और प्रबुद्ध जनों के बीच में यदि मैं बैठा हूँ तो मान करके चलना ये मेरी स्वयं की पात्रता नहीं है, ये मेरे ऋषि की पात्रता है, मेरे ऋषि का अनुसंधान है। और हमारे ऋषि ने जब जब भी जो चीज़ कही है, लिखी है या हम कार्यकर्ताओं को बताई है, तो जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध करके, अनुसंधान करके और समष्टि के सार्वभौम कल्याण के लिए बताई है। ऐसा नहीं कि जो मैं आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो कोई दुर्लभ असंभव चीज़ें होगी, इसके बहुत सारे सूत्र आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आइए कोई अच्छी चीज़ का बार बार मंथन चिंतन करने से एक नवनीत उभर करके आता है। और ये समसामायिक जो वैश्विक महामारी का जो दौर है, इसमें वास्तव में हम कई बार प्रशासन को, राजतंत्र को और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को लेकर के सोचते हैं कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी सारे 135 करोड़ लोगों के किसी और सिस्टम की है, जिसको हम भौतिक सिस्टम कहते हैं, जिसको हम एक राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारा ऋषि कहता है कि समाज तंत्र और प्रकृति तंत्र, इसकी बड़ी जिम्मेदारी है अपने व्यक्तिगत जीवन को संभालने की, व्यक्तिगत जीवन को सजाने संवारने की, व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध खुशहाल और उस ऊंचाई पर ले जाने की जहाँ आपकी अनंत इच्छाएं, अनंत जीवन की संभावनाएं हैं, उन्हें हमें तो जन्म देना पड़ेगा। तो आइए आज हम कोविड काल की इस वैश्विक महामारी से हम स्वयं भी कैसे बचेंगे, हम औरों को कैसे संभालेंगे, और हम ग्रामीण जनजीवन में इस जन जागरण को जन जागृति का रूप दे करके अधिक से अधिक लोगों तक इन ऋषि सूत्रों को पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़े, सतत हमें वो प्रेरणा मिलती रहे और हम इस पर अटूट विश्वास करके कुछ लंबा समय नहीं तो कुछ दिनों के लिए अभ्यास करके हम अनुभव करेंगे। ऐसे व्रत भावना के साथ आज की विचार गोष्ठी को सुनना है। हृदय की गहराइयों से हम एक बार अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र, जीव आत्मा को शिवात्मा की ओर ले जाने वाला रसायन, अनगढ़ को सुगढ़ बनाने वाला और जीवन की अनंत संभावनाओं को जागृत करने वाला ब्रह्मास्त्र वेदवाणी गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। भाइयों बहनों, भारतीय जीवन पद्धति
भारतीय जीवन शैली और भारत की ऋषि प्रणीत व्यवस्था पद्धति और भारत की जलवायु और कृषि, ये सारा मिल करके एक आरोग्य शास्त्र बनता है। और उस आरोग्य शास्त्र को यदि एक शब्द में यूं कहें कि भारतीय जीवनचर्या का विज्ञान क्या है, तो भारतीय जीवनचर्या के विज्ञान में पांच चीजें उभर करके आती है और वो बड़ी गंभीर है। उन पांचों पर मैं थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करूंगा जो बहुत ही विशाल है, विराट है। सबसे पहला होता है हमारी जीवनचर्या के विज्ञान का विषय आहारचर्या। और आहारचर्या को यदि हम गहराई से देखें तो ये जो शरीर है हमारा एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उद्योग है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर 7 धातु बनाने की प्रक्रिया चलती है। और उस प्रक्रिया को कहीं न कहीं ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसके व्यवस्थित निर्माण को बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमारे यहाँ आहार कहा गया है। आहार के माध्यम हमारे शरीर में जाने के 3 मार्ग हैं। हम जो मुंह से खाते पीते हैं, हम नाक से जो हवा लेते हैं, और हमारे रोम कूपों से जो हम प्राण और धूप और प्रकृति की षट ऋतु की मौसम के प्रभाव को जो सहन करते हैं, वो भी एक आहार का ही काम करता है। हमारे ऋषियों ने 3 मार्ग बताए, इन मार्गों से हमें आहार मिलता है। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि हम केवल मुंह से जो खाते पीते हैं वही आहार है, ऐसा नहीं है। हम जो नाक से सुगंध लेते हैं, नाक से जो हम प्राण तत्व लेते हैं, ये भी हमारा मुख्य आहार है। और जो हम खाने के ठोस चीजों के बाद जो द्रव्य हम पीते हैं लिक्विड, वो भी हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है। और इतना ही नहीं, जो हमारे 18.5 करोड़ रोमकूप जो ब्रह्मांड के 60 ऋतुओं के मिलन से जो प्राणों का अवशोषण करता है, चंद्रमा की, नक्षत्रों की, सूर्य की, धूप छांव का, दिन और रात का और हर समय की परिस्थितियों का, उसका भी गहरा हमारी त्वचा के माध्यम से भोजन मिलने का एक माध्यम बनता है। भाइयों बहनों, अब प्रश्न ये उठता है कि आहार एक दवा है, भूख एक बीमारी है। हमारे शरीर में जो भूख लगती है, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, वह हमारे शरीर में जा करके पच करके 7 धातु बना देता है, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, रस और शुक्र। अब ये 7 धातु बनेगी कब? खाने से नहीं बनेगी, जब वो पच जाएगा तब बनेगी। अब मैं आपको ले चलता हूं ऋषि वाग्भट और चरक ऋषि क्या लिखते हैं आहार के बारे में। वाग्भट और चरक ऋषि लिखते हैं कि आहार के 2 प्रक्रियाएं होती है। यदि किसी भी व्यक्ति का, विज्ञान की भाषा में, यदि किसी का लेब में खून की जांच करोगे तो खून में 2 चीजें मिलेगी, एक अम्ली तत्व और एक क्षारी तत्व, जो हमारी जीवनी शक्ति का आधार है, हमारे शरीर के सिस्टम का, 7 धातु बनाने का, हमारे शरीर में उल्लास उमंग पैदा करने का, हमें रिष्ट पुष्ट मजबूत और हर मौसम और प्रकृति के साथ खड़ा रहने की, हर बीमारी से लड़ने की ताकत इन 2 जगह से मिलती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यकता है वो प्रमुख 2 तत्वों की पड़ती है, क्षारी तत्वों की और अम्ली तत्वों के। भाइयों बहनों, जब हम ये समझ ले कि हमारे शरीर में अम्ली तत्व कितने चाहिए और क्षारी तत्व कितने चाहिए, तो हमारी भोजन की थाली सबसे पहले हम ठीक कर लेंगे। निश्चित समझना, वही छत मजबूत होगी जिसके प्रमाण में सीमेंट, सरिया, ईंट डला होगा। अप्रमाणित तरीके से बने हुए मकान की मजबूती का कोई भरोसा नहीं। ऐसा ही क्षारी तत्व और अम्ली तत्व को जाने बगैर हम शरीर को मजबूत नहीं बना सकते हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता है 20% अम्ली भोजन। आप कहेंगे अम्ली भोजन किसे कहते हैं? हमारे घर के चौके में, हमारे घर की छत के नीचे
जो हम डब्बों में भंडारण करके रखते हैं और जिसको हम पका के खाते हैं, वो सारा का सारा भोजन अम्लीय भोजन है। यह हमारे शरीर में 20% की आवश्यकता है। अब दूसरा आता है क्षारी भोजन, इसकी 80% शरीर की आवश्यकता है। और ये कहां से मिलेगा? सूर्य की अग्नि से प्रकेगा, आकाश की छत के नीचे मिलेगा और धरती के अनंत गोद में मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा? जिसे हम सब्जियां कहेंगे, फल कहेंगे, जिसे हम प्राकृतिक रूप से खा सकते हैं, कंद मूल है, फल है, पत्तियां है, जड़ी बूटियां है, शहद है, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट है, मेवा मिष्ठान, जो भी आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो प्रकृति खुद बनाती है, इसे कहते हैं अम्ली भोजन के बाद क्षारी भोजन के तत्वों की आवश्यकता। तो अब अम्ली भोजन और क्षारी भोजन मिल करके बनाते हमारे शरीर को। अब आपकी थाली को आप देखिए कि क्या हमारी थाली में हम 80% सब्जियों को, फलों को और प्राकृतिक आहार को स्थान देते हैं। यदि नहीं, तो सबसे पहले हमें अपनी थाली ठीक करने की आवश्यकता है। अपने भोजन में हम 80% क्षारी तत्वों को लें, जिसमें सभी प्रकार की नींबू प्रजाति के फल विशेष रूप से ध्यान देना है। नींबू प्रजाति के सभी फल खटाई में नहीं आते हैं, इनमें क्षारी तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है, जो हमारे रक्त को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अगला आता है, हम सभी प्राणी जगत में हम भोजन लेते हैं। अब जितने भी प्राणी भोजन करते हैं, 84 लाख योनि के, जल के, थल के, गगन के, जीव जगत, लेकिन किसी के घर में अग्नि नहीं जलती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सप्राण भोजन खाते हैं और मनुष्य एक अकेला ऐसा प्राणी है जो निष्प्राण मरावा भोजन खाता है। अर्थात हम अग्नि पे पका करके, तल के भून करके, डब्बाबंद पैकिंग में लेकर के, और उस भोजन की गुणवत्ता को हम स्वाद की दृष्टि से देखते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन पशु पक्षी और जीव जगत में क्या होता है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उस गुणवत्ता को देखते हैं जिसमें क्षारी तत्व और प्राकृतिक उनका सप्राण तत्व अधिक और पर्याप्त मात्रा में उनको मिलता है। इसलिए मौसम की मार, ऋतुओं की मार और विभिन्न प्रकार की महामारियों से लड़ने की ताकत मनुष्य से ज्यादा पशु पक्षियों में पाई जाती है। इसका स्पष्ट निदान हो गया है क्या हमारे भोजन में सप्राण भोजन का स्थान होना चाहिए, अर्थात अग्नि पे मरे हुए भोजन की मात्रा भी हमें कम से कम 50% रख लो और 50% सप्राण ले लो। उसके लिए हम आज दालों का प्रचलन, पालिश करके दाल चावलों का प्रचलन, मैदे का प्रचलन, डब्बाबंद चीजों का प्रचलन, इन्होंने हमारे स्वास्थ्य को इस तरीके से खोखला बनाया है। हम खाते तो हैं दाल चावल रोटी सब्जियां, लेकिन क्या इसकी गुणवत्ता को हमने कभी देखा? हमने छिलके सहित दालों का, अंकुरित अनाज का यदि हमने प्रयोग किया होता, तो हम जो मानक पढ़ते हैं चने का, गेहूं का, चावल का या किसी अन्न और दलहन तिलहन का, तो वो मानक खरा कब उतरेगा? जब हम उसको प्राकृतिक तरीके से लेंगे। आज रिफाइन के नाम पे, पॉलिश के नाम पे, थाली की सुंदरता के नाम पे हम इसको तमाम प्रकार के भोजन को, उनकी पोषक तत्वों को उनसे दूर कर देते हैं। अब देखो, हमने छिलका निकाल दिया, महीन आटा पीस दिया, उनको कढ़ाई में तेल घी में जला करके उसको खाक कर दिया। ऐसे में हमारे शरीर को केवल स्वाद और जायका तो मिल जाता है, ये भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, फिर ये गैस, एसिडिटी और कब्ज को जन्म देता है, मेद और मोटापे को जन्म देता है। अगला और महत्वपूर्ण है, यदि हमारे भोजन के ये प्रकार समझ में आते हैं, तो फिर वाग्भट ऋषि लिखते हैं कि भोजन के 3 पद्धतियों को समझना पड़ेगा रिष्ट पुष्ट मजबूत स्वास्थ्य के लिए। कौन बीमार नहीं पड़ेगा? वही व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा जिसमें ये 3 सूत्र आ जाएंगे। पहला सूत्र है हित भूख, जो हित है वही खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जो अहितकर भोजन है वो भोजन हमारे लिए बीमारी का काम करता है, क्योंकि भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी दवा है। अब हमने दवाई गलत ले ली, भोजन गलत खा लिया। कई लोग कहते हैं क्या हमें दही खाने से,
छाछ खाने से, खट्टा खाने से, नमक ज्यादा मीठा खाने से या अमुक अमुक चीज खाने से हमें ये तकलीफ होती है, इसका मतलब है कि ये आपके लिए हितकर भूख नहीं है। क्योंकि हित भूख ही आपका भोजन होना चाहिए। खाने को इतनी चीजें हैं लेकिन आदमी हित भूख का ध्यान नहीं रखता, बीमार पड़ने का पहला कारण है। दूसरा बताया उन्होंने कि मनुष्य को कम से कम मित भूख होना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए। हवा और पानी के लिए, थोड़ा मुस्कुराने और परिश्रम करने के लिए हमारे पास में कुछ जगह खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग भरपेट खाने के बाद और खाना है, और खाना है। वो कई लोग तो बोलते हैं क्या हमारा पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, मतलब रात का बासी भोजन फिर वो सुबह ढूंढते हैं और फिर उसको खाते हैं। ये भी तो गलत है, क्योंकि हम अपने मन के लिए खाते हैं, तन के लिए नहीं खाते हैं। हम मन को खुश करना चाहते हैं, हम तन को खुश करना यदि चाहेंगे तो हम हित भूख का हमेशा और मित भूख का ध्यान रखेंगे। और तीसरा सूत्र कितना गंभीर बताया, बीमार वही व्यक्ति नहीं पड़ेगा जो ऋत भूख का ध्यान रखेगा। छह ऋतु होती है, हर ऋतु की फल सब्जी अनाज, हर ऋतु के मौसम की अलग अलग प्रकृति। तो हमारे शरीर को हम ऋतु अनुसार यदि खान पान रखते हैं तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि उस अभी जैसा जामुन आएगा, आप जामुन को क्या समझते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सिंघाड़ा आया था, सीधा हार्मोन से ग्लैंड को थायराइड के जैसा फल होता है। अभी प्रेंक्रियाज की तरह जामुन होता है, ये शुगर को ठीक करता है। कैसे भी शुगर बढ़ी हो, जामुन का सिरका दीजिए, जामुन की गुटली का पाउडर दीजिए, जामुन के फल को चूसिए, खेचरी मुद्रा में वो फल चूसा जाता है। यहाँ तो हर ऋतु का अलग अलग फल, अलग अलग तरीके से उसके खाने की पद्धतियां, ये भी हमारे रोग निवारण में सहायक है। ये परिंदे पक्षी क्यों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ऋतु फलों को ये ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अभी ऋतु फल यदि जंगल में आ जाए तो पेड़ के नीचे कितना भी आप पकवान छोड़ दीजिए, उसे छोड़ करके वो ऋतु फल पहले खाएंगे, पेट भर करके खाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि इस ऋतु का भोजन, इस ऋतु का फल हमारी दवा बनकर के शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ मजबूत बनाएगा। अगला आता है, यदि तीन बात समझ में आ गई, हित भूख, ऋत भूख और मित भूख, तो अगली बात समझना है जो कुछ हम खाते पीते हैं इससे हमारे शरीर में तीन गुण बनते हैं। गीता भी इस बात को कहती है, युग ऋषि लिखते हैं कि जैसा हमारा भोजन होता है उस प्रकार के हमारे अंदर गुणों का संवर्धन होता है। कैसे होता है, तो तीन गुण बताए भोजन के। तो आप जो तीन प्रकार की मनोवृत्ति के जो लोग देखते हैं ना, ये सब भोजन से बनते हैं। क्योंकि भोजन हमारे जीवन की जड़ों में जाकर के वैसे हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति का निर्माण करता है। तो तीन प्रकार के गुण वाले लोग आपको मिलेंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी। ये तीन गुण वाले लोग भी भोजन से ही बने हुए हैं। भोजन मूल में है, भोजन जड़ में है, भोजन अपने जीवन के गुण कर्म स्वभाव के केंद्र में है। तो आइए हम विचार करें कि सबसे पहली बात है सतोगुणी भोजन, जो हमारे अंदर सात्विकता पैदा करता है, हमारे मनोवृत्ति में एकाग्रता पैदा करता है, हमारे चित्त की चंचलता को स्थिरता में बदलता है, हमारे अंदर के भय और भ्रम का निवारण करता है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की जितनी सात्विक प्रवृत्तियां है, उदारता है, प्रेम है, आत्मीयता है, सहनशीलता है, धैर्य है, ये कोई शब्द नहीं है, ये सात्विक गुणों के, सात्विक भोजन के वरदान है जो हमें प्राकृतिक आहार से मिलते हैं। जो एकदम सात्विक भोजन होगा उसी भोजन से हम अपने इन दिव्य गुणों को धारण करेंगे, इसी कहते हैं सतोगुण की प्रवृत्तियों का बढ़ना। और दूसरा आता है रजोगुण। अब रजोगुण के अंतर्गत बासी भोजन है, कई दिनों से डब्बा बंद भोजन है, जितने भी प्रकार के बेकरी आइटम है, जिंक फूड है, फास्ट फूड है, और ये मैदे बेकरी के आइटम है जिसमें केमिकल, रसायन, फ्लेवर, सुगंध और प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, ये सारे के सारे भोजन जो है ये सारे राजसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। गरिष्ठ भोजन, पकवान तले भुने, होटलों, दावतों, ढाबों, जहां भी आप भोजन करते हैं ये सब राजसी भोजन के अंतर्गत आते हैं, जिसको तेल में, घी में, सुगंध में और गरिष्ठ चीजों में मार मार करके केवल जायकेदार बनाया है। और ये राजसी भोजन
हमारे अंदर चित्त प्रवृत्तियों में चंचलता पैदा करते हैं, हमारे अंदर कुवासनाएं पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे मन को अस्थिर करते हैं, बुरे स्वप्नों की ओर ले जाते हैं, बुरे विचारों की ओर ले जाते हैं, अहंकार की ओर ले जाते हैं, प्रदर्शन ईर्षा घमंड की ओर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही भोजन के गुण ऐसे होते हैं जिससे हमारे रक्त में वो प्रभाव बन रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनके भोजन की प्रवृत्ति भी इनके संस्कारों को दूषित करती है, इनके अंदर तामसी विचारों को, राजसी विचारों को जन्म देता है भोजन। और अंतिम आता है जिसको कहते हैं तमोगुणी भोजन। तो तमोगुणी भोजन का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के अभक्ष भोजन होते हैं, जितने भी प्रकार के पाप प्रवृत्तियों के आहार होते हैं, जितने भी प्रकार के ईर्षा द्वेष से छीन करके, किसी को लूट खसोट करके, किसी से भी हमने किसी भी प्रकार से अपनी भूख मिटाने की केवल चेष्टा रखी होगी, ये सब तामसी भोजन है। क्योंकि भोजन जब भी लिया जाता है पवित्रता से लिया जाता है, मन की शांति स्थिरता से और भाव से लिया जाता है, यहाँ तक कि पकाने खाने परोसने जगह स्थान उपार्जन और उस समय ऐसे 9 गुणों को लेकर के भोजन का निर्णय होता है। तो ये जो तामसी भोजन है, ये क्रोध को, गुस्से को, चिड़चिड़ापन को, काम वासना को और फिर बुरे जितने भी कर्म आदमी करता है, जितना भी कुमार्ग की ओर जाता है, हिंसा की मार्ग की ओर जाता है, जितना भी पाप और पतन के रास्ते पे जाता है, तो ये उसका अन्नमय कोष दूषित होता है। तो ये अन्नमय कोष को यदि आपको शुद्ध करना है, किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत लेना है, तो उसका आधार यहीं से बनता है। तो हमारे शरीर में जब हम खाते हैं ना, तो हमारे ऋषि लिखते हैं कि इससे 3 चीज़ें पहले आपको तत्काल मिलती है। सबसे पहले हमने कोई चीज़ खाई तो उसका जो स्थूल भाग है उससे तो मल बन जाता है, और जो उसका मध्यम भाग होता है उससे हमारा मांस बन जाता है, और जो उसका अति सूक्ष्म भाग होता है उससे हमारा मन बनता है। तो बात कितनी गजब कही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा तन मन और हमारी भावनाएं बनती है। ये तो हो गया हमारा पूरा आहार विज्ञान, जिससे हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे विचारों पे चलता है, और कारण शरीर जो हमारे आत्मविज्ञान पे चलता है। तो हमारे मन का निर्माण भी, हमारे शरीर का निर्माण भी और हमारी आत्मा का निर्माण भी हम भोजन से करते हैं। अगला आता है जिसे कहते हैं विहार। अभी हमने आहार को अच्छे तरीके से समझा है, अब हम विहार को समझेंगे। विहार का मतलब होता है रहन सहन और इंद्रिय संयम। अक्सर लोग विहार का मतलब केवल इतना ही समझते हैं कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, ये बात नहीं है। हमारा 3 चरण पर हमको ध्यान देना है। रहन अर्थात हम रहते कैसे दुनिया में, विहार का मतलब होता है हम रहते कैसे हैं दुनिया में। कहीं हम अकेलेपन में रहते हैं, कहीं स्वार्थ में रहते हैं, कहीं हम जीवन की तृष्णा वासना में मोह में रहते हैं, ये भी तो हमारे रोग का दुख का कारण है। और सहन, जैसे एक शब्द बोला विहार में, रहन सहन अच्छा रखो। तो हमने यदि रहना सीख लिया है तो सहना भी सीखो। यदि हम किसी जगह रहते हैं, आज दुनिया में कोविड है, अब जिन्होंने सहन शक्ति छोड़ दी, सहनशीलता छोड़ दी, धैर्यता छोड़ दी, आत्मविश्वास खो दिया, तो इनको कितनी भी अच्छी वैक्सीन दे दो, कितनी अब अच्छी दवा दे दो, क्या काम करेंगे? क्योंकि किसी भी चीज का प्रभाव शरीर के रोग को जड़ से मिटाने के लिए रहन सहन और इंद्रियों का बड़ा महत्व होता है। आज विज्ञान के लोग विज्ञान की भाषा में कुछ भी बोलते हो, लेकिन अध्यात्म तो इन 3 चीजों को बड़ी गंभीरता से कहता है। जहां हम रहते हैं उस स्थान को आप कैसे रखते हो, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके बीच में हमारी सहनशीलता कितनी है। हम कहीं राग के, कहीं द्वेष के, कहीं ईर्षा के, कहीं लोभ के, कहीं लालच के, कहीं घमंड के शिकार तो नहीं हो गए हैं? यदि हम में सहन शक्ति नहीं है तो हम में ये विकार भी आ सकते हैं। और बहुत ही गंभीर की बात और गंभीर बात कही कि व्यक्ति के अंदर 2 इंद्रियां ऐसी है जो तत्काल बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, तत्काल आपको मनु बनाती है, तत्काल आप में महानता के गुण
और ऊंचे से ऊंचे काम करने की ताकत देती है, निर्भयता और अभयता देती है। भय और भ्रम भी बीमारी का कारण बनता है। तो हम क्यों नहीं सोचते इंद्रिय संयम में दो इंद्रियों को हम काबू कर लें। सबसे पहले जीभा की स्वाद इंद्री, युग ऋषि लिखते हैं कि स्वाद इंद्री के कारण ही 1.5 सेंटीमीटर की चटोरी जीवान 5.5 फीट के बंगले को हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, फीट से नापो तो 5.5 फीट का ऊंचा। लेकिन ये जो ऊंचाई आपको मिली है ये आपकी 1.5 सेंटीमीटर की चटोरी जीवान से यदि आपने अपनी यदि प्रतिमा बनाने की कोशिश करी तो यह हैवान भी बन सकता है, बीमार भी बन सकता है, शैतान भी बन सकता है, संत सुधारक सहित ऋषि और मनीषी और महापुरुष भी बन सकता है। यही जीवन हमें बना सकते कुछ। तो हमें हमेशा स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। हमें हमेशा ये 1.5 सेंटीमीटर में जो स्वाद आता है इसके बाद सब कुछ उसने बेस्वाद होना, यही से हम अपने स्वास्थ्य को और बीमारी को प्रवेश करते हैं। युग ऋषि लिखते हैं कि बीमारी का सबसे पहला मार्ग ही हमारी जीवन है, मुख है, हमारा पेट है, और यदि इसको हमने ठीक कर लिया तो क्या मजाल कि हम बीमार हो जाएंगे, क्या मजाल कि हमें अपनी आयु को जितनी आयु यदि हम 100 साल जीवेम सर्दम सततम, यदि ऐसा हमारे बुजुर्गों ने ऋषियों ने सत्पुरुषों ने आशीर्वाद दिया है तो जीवन पे कंट्रोल करके हम उसको भी सार्थक कर सकते हैं और इतनी आयु बिना रोग बिना दवा के हम जी सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। थोड़ा सा नमक मिर्च कम ज्यादा हुआ आदमी को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा कि उसको इतना अधिक खा लेता है कि उसको पानी की हवा की जगह की भी नहीं व्यक्ति सोच रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि हम पहली स्वाद इंद्री पे कंट्रोल करेंगे और दूसरी प्रजनन इंद्री अर्थात जो जनन इंद्री होती है, जो हमारे जीवन का पोषक तत्वों का अंतिम तत्व बनता है जिसको हम कहते हैं रजवीर्य। यदि ये स्त्री पुरुषों का जो अंतिम क्षेत्र है जिसको हम क्षणिक काम वासना में आकर के अपने 40 दिन की कमाई के वीर्य के शुक्र के सूर्य के तेज के बिंदुओं को केवल छोटी सी वासना में नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जो केवल एक संतान उत्पादन के लिए एक छोटा सा क्रम था, वो जो मनुष्य के जीवन की अनंत वासनाएं बन करके उसके जीवन को उसके विचारों को उसके मस्तिष्क को उसके स्मरण शक्ति को उसके चेहरे के ओज और तेज को खोखला बनाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मरण शक्ति कहां से आती है, विचार शक्ति कहां से आती है, एकाग्रता की शक्ति कहां से आती है, शरीर में ओज और तेज कहां से आता है, बल और बहादुरी कहां से आती है, तो वो आती है आपके रज वीर्य से। तो रज वीर्य का व्यक्ति जितना संचय करेगा जितना संयम करेगा उतना वो बीमारियों से लड़ने की एक पराक्रमी शक्तियों को अपने अंदर जन्म देगा। ये ब्रह्मास्त्र है, ये जीव को शिव बनाने की शक्ति आपके अंदर शिव का बिंदु है जिसे आप वीर्य कहते हैं। इसको संजो के रखें, इसको सवार के रखें। अगला और महत्वपूर्ण आता है भाइयों बहनों, यदि हमने आहार विहार को समझ लिया है तो हमारे जीवन में विहार के अंतर्गत 3 चीजें युगरी से निकली है कि हमारा चिंतन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार, ये हमारे विहार के अंतर्गत आता है। तो हमेशा हमारा चिंतन सकारात्मक हो, ऊंची विचारधारा का हो, और हमेशा हम अपने चरित्र निर्माण पर 24 घंटे अपनी एक बागड़ मेड़ लगा करके रखें। जितना हमारे शरीर के ऊपर हम ध्यान देते हैं उतना हमें अपने चिंतन और चरित्र पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा व्यवहार, हम लोगों से लेन देन करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम कुटुंब रूप में परिवार के साथ रहते हैं, माता पिता सास ससुर पति पत्नी बच्चे नौकर चाकर अड़ोसी पड़ोसी ये सब परिसर और प्रकृति मिल करके हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। हमारा उन लोगों के प्रति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जल नदी सरोवरों के प्रति भी हमारा व्यवहार बहुत ऊंचा होना चाहिए। अपने आप के प्रति हम यदि न्याय करने लगे तो हम दूसरों के साथ भी न्याय करने लगेंगे। बहुत सारे लोग तो स्वयं के साथ ही अन्याय करते हैं, उनका देख लीजिए खान पान में कितने व्यसन है, कितने फैशन है, कितनी जीवनचर्या की अनियमितताएं हैं। इसका मतलब क्या है
व्यक्ति अपने जीवन के हथियार को ही बोटा कर रहा है। जिस जिंदगी को हम जीना चाहते हैं उसको हम धारदार नहीं रख रहे हैं, हम उसे खोखला बना रहे हैं, उसे हम लड़ने लायक हथियार नहीं बना रहे हैं। रणभूमि में योद्धा कभी नहीं लड़ता है, उसका हथियार लड़ता है, और हथियार के साथ योद्धा के अंदर की चिंतन शैली, उसकी विचार शक्ति, उसकी निर्भयता की शक्ति, उसका साहस और धैर्य लड़ता है। तो भाइयों बहनों, एक कोविड की लड़ाई के लिए हमें आहार विहार पर खूब ध्यान देना है। इसके बाद अगला आता है जिसको कहते हैं दिनचर्या। हमारी दिनचर्या में हमें परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया, 8 घंटे कमाने के लिए, 7 घंटे सोने के लिए, 4 घंटे व्यक्तिगत काम के लिए, उसके बाद भी आपके पास 5 घंटे बचते हैं। 2 घंटा अपने व्यक्तिगत साधना उपासना स्वाध्याय योग प्राणायाम ध्यान के लिए दीजिए, फिर भी 3 घंटे बचे। 1 घंटा मोबाइल को दीजिए, 1 घंटा अपने परिवार परिजनों को दीजिए, और 1 घंटा अपने अनुभव को बांटने के लिए प्रकृति और समाज और अड़ोस पड़ोस में दीजिए। वो भी तो आरोग्य देता है, वो भी तो खुशियां देता है। जो जीवन संपदा को भगवान ने हमें 2 चीज दी है, एक तो जीवन दान दिया है और समय दान दिया है, ये भगवान के दान है। हमको ये 2 दान प्रकृति से मिले हैं, ईश्वर से मिले हैं। जब प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें 2 दान दिए हैं, तो इन दोनों दानों में से कुछ हमें भी दान करना पड़ेगा। तो जीवन दान जब प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें दिया है, ब्रह्म ने दिया है, तो इस जीवन का कुछ समय दीजिए। तो वो समय दान आप जब देंगे जीवन में से, तो आप शरीर को ले जा करके देंगे, तो शरीर जहां भी जाएगा वहां अपने व्यक्तित्व से, अपने अनुभव से कितनों को संभालेगा। जैसे अभी आप लोग सदैव विवेक भाई बता रहे थे कि गांव गांव जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो आप क्या लेकर के जाते हैं? आपका व्यक्तित्व लेकर के जाते हैं, आपकी समझ, अकल, अनुभव, जानकारियां लेकर के जाते हैं। उन जानकारियों में एक ऐसा चुंबकत्व, एक ऐसा आकर्षण लेकर के जाएं कि जिसे देख करके, जिसके संपर्क में आकर के व्यक्ति की कोरोना के बाप जैसी बीमारियां कांपने लगे और दूर जाती दिखाई देने लगे। पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक सोच का, निर्भयता का, हमारी मन की, हमारे प्राण की, हमारी भावनाओं की, आत्मा की तरंगों का प्रभाव हम जा खड़े हो जाए वहां पढ़ने लगता है। हम जिस जगह खड़े हो जाए वहां 10 लोग हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि हम नहीं, हमारा व्यक्तित्व बोल रहा है। व्यक्तित्व बहुत है, व्यक्तित्व बहुत कम है। यदि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो इसमें आप जैसे व्यक्तित्व चाहिए जो समाज को संभालने के लिए आज आप दिया ग्रुप से जुड़े, युग निर्माण से जुड़े, एक भले काम से जुड़े, और कोविड की लड़ाई के लिए आप समाज के बीच में जाते हैं, तो आप अपने जीवन संपदा के इस व्यक्तित्व को लेकर के जाएंगे। अगला आता है और महत्वपूर्ण है, रात्रिचर्या। रात्रिचर्या बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 बजे से लगा करके 12 बजे तक 7 घंटे सोने का लाभ जो मिलता है वो मात्र 3 घंटे में मिलता है। आप आश्चर्य करेंगे, ये जो सोते आप, ये गहरी और गाढ़ी नींद का समय है, और 12 बजे से 3 बजे तक लोग जो सोते हैं उनको मात्र 1 घंटे के आराम के बराबर एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये रात्रि के सपनों का और हमारे अवचेतन मन की उड़ानों का समय रहता है। और एक नींद होती है 3 बजे से 6 बजे तक, जिससे हम लोग सोते हैं यदि, तो ये तो हमारे जागरण की, प्रस्फुटन की, हमारी शरीर की, प्रकृति की, चैतन्य अवस्था की निद्रा है, जिसमें मात्र 15 मिनट का आपको विश्राम का लाभ मिलेगा। यदि आप 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बिस्तर पर रहते हैं, और यदि आप कहते हैं कि मैं सो रहा हूं, तो आपका दिमाग चार्ज नहीं होगा, केवल 15 मिनट चार्ज होगा। लेकिन यदि आप रात के 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा गहरी नींद ले लेते हैं, तो आपकी 7 घंटे की नींद की पूर्ति इधर हो सकती है। तो जागरण का भी ऐसा ही क्रम है। यदि आपको ऋषित्व धारण करना है, प्रखरता धारण करना है, तो 3 बजे उठिए, और यदि आपको जीवन में ब्राह्मणत्व धारण करना है, अपने जीवन को सील, सदाचार, संयम से साधना है, तो 4 बजे उठिए। और यदि साधक बनने की प्रवृत्ति हो, किसी का नेतृत्व करना हो, किसी ऊंचे काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना हो, तो आप 5 बजे उठिए। इसे कहते हैं साधक का जीवन। और एक होता मनुष्य का जीवन, खा पी लो, पेट भर लो और बच्चे पैदा कर लो,
तो इसके लिए तो 6 बजे उठना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बजे बाद उठने वाले लोग इन चारों ग्रेड में नहीं आते, वो अभागों के जीवन में आते हैं कि ये अभागे लोग हैं जिन्होंने न चहचाते हुए पक्षी और न भोर का सूर्य उदय देखा। तो आपसे अनुरोध है कि हम सूर्य उदय के पहले यदि लोगों को उठना सिखा देंगे, थोड़ा टहलना सिखा देंगे, थोड़ा चहचाते हुए पक्षियों की आवाज सुनना और उषा काल की हवा पीना सिखा देंगे। एक मुक्त का डॉक्टर आता है जो ब्राह्मी चेतना का खजाना लेकर के मुक्त में प्राण लुटाता है, मुक्त में प्रकाश लुटाता है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें ही हमें हर बीमारी से बचाती है। तो आपसे अनुरोध है कि हम जागने का क्रम सूर्य उदय के पूर्व रखेंगे। अगला और महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं धर्मचर्या, यह अंतिम हमारा 5वां सूत्र है। इसके बाद में आपको बहुत ही गंभीर 5 मिनट का एक ध्यान भी करूंगा जो गुरुदेव कभी कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को उनकी गोष्ठियों के बाद आत्मविश्वास जगाने के लिए, आत्मविश्वास के मूल मंत्र को, आत्मविश्वास को उछाल देने के लिए, आत्मविश्वास की दृढ़ता को जगाने के लिए वो ध्यान सिखाते थे, वो भी सिखाऊंगा। ये बात पहले समझ लीजिए, धर्मचर्या यह हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। कई लोग कहते हैं कि जब हमने आहार चर्या समझ ली, विहार चर्या समझ ली, दिनचर्या और रात्रि चर्या समझ ली, तो फिर 5वीं चर्या आपके जीवन की आत्मा की है, आपकी भावनाओं की है, आपके जन्म जन्मांतरों के दिव्य संस्कारों की प्रसुप्ति से जागृति की है। और कई लोग क्या करते हैं, अपने पिछले जन्मों की यात्रा को पा करके इस जीवन का किसी क्षेत्र में सौभाग्य तो पा लेते हैं, लेकिन आत्म परिष्कार करके उसे और निखार देने का काम, उसे और उछाल देने का काम, उसे और बढ़ाने का काम भूल जाते हैं। और ये काम होता है धर्मचर्या से। और धर्मचर्या का मतलब क्या होता है, हमारी नियमित उपासना स्वाध्याय का क्रम होना चाहिए और इसके साथ में होना चाहिए कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्वों के प्रति हमारी सजगता धर्म भावना से होना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति भगवान से डरता है, उसी धार्मिक व्यक्ति को हमारा ऋषि कहता है अपने कर्म को भगवान मान ले, अपने उत्तरदायित्व को भगवान मान ले। तब वो ऐसा लिखते हैं कि ईश्वर को मानने वालों ईश्वर की भी मानो। ईश्वर की भी मानने का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन में जो कुछ हमें जिम्मेदारियां मिली है उसे हम समझदारी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और बहादुरी से भी जीते हैं। यही तो धर्मचर्या का आधार बनता है। धर्मचर्या का मतलब केवल मंदिर मस्जिद जाना, पाठ पूजा करना, यज्ञ हवन करना या किसी भी प्रकार का कोई पंत संप्रदाय के अनुयायी बन जाना मात्र, ये धर्मचर्या नहीं है। धर्मचर्या का मूल आधार है जीवन मूल्यों की, जीवन नीतियों की। जैसे महर्षि पतंजलि लिखते हैं ना अष्टांग योग में, यम नियम का पालन करने वाला ही योगी योग के लायक होता है, और जो योगी योग कर लेता है वो प्राण को धारण करने के लायक, प्राणायाम के लायक होता है, और जो प्राणायाम कर लेता है वही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के लायक होता है। तो ये जो धर्मचर्या है ये हमें समग्र जीवन को परिष्कृत करके, प्रसुप्त चेतना को जागृत करके, हर रोग, हर बीमारी, हर परिस्थिति से अंदर से आत्मविश्वास के द्वारा लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज का हमारा ये जो सत्र था इसका पूरा नाम एक शब्द में यदि कहूं तो हमारी ऋषि प्रणीत जीवन मूल्यों की जीवनचर्या विज्ञान को अभी आपने सुना समझा। मैंने गुरुदेव के व्यक्तित्व से, उनके व्यक्तित्व के जीवन के आचरण से, अखंड ज्योति और जीवन सरदम सततम और व्यक्तित्व विकास के उच्च स्तरीय साधनाएं खंड नंबर 20, ऐसे खंडों से और अखंड ज्योति पत्रिका जनवरी 2004 के यदि आप पढ़ोगे तो जीवन विज्ञान का विशेष अंक प्रकाशित हुआ था। उसी में ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली जो साधना बताई है प्रश्न क्रमांक 40 पर, मैं वो साधना अब आपको कराना चाहता हूं। मात्र 6 मिनट की है कि आत्मविश्वास को कौन मजबूत करते हैं वो 6 बातें बताएंगे, और आत्मविश्वास को कौन कमजोर करते हैं वो 5 बातें बताएंगे। तो ये 11 गुरु मंत्र आज आपको मिल रहे हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए,
जीवन के व्यक्तित्व को, अपने जीवन में अनंत जो संभावनाएं हैं उसको जागृत करने की महाविद्या हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे, अब आप मुझे देखना बंद कर दीजिए, अब आप स्वयं को देखना प्रारंभ कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से निर्देश हो रहे हैं, इसका पालन कीजिए और मात्र 6 मिनट के लिए आप मौन हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सब ओर से ध्यान को हटा लीजिए, अपने आप को एक अकेली गुफा में अपने समर्थ सत्ता के साथ, यदि आप किसी को भी मानते हो तो उनको आप साक्षी बना लीजिए। मैं तो कहूंगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनके अंदर हम हर महापुरुष को, संत सुधारक शहीद और किसी अवतार को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी, एक तपपूत का, एक महायोगी का, एक महान आध्यात्मिक चिकित्सक का, महान अनुसंधान और अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय करने वाले, अनंत ऋषि परंपराओं को खोज करने वाले एक ऐसे युग ऋषि के व्यक्तित्व से आप जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी।